ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। ओके, सो EIGRP इज अ एनहांस इंटर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि हम लोगों को सबको पता ही है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले एनहांस इंटर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर मैं EIGRP की बात करता हूँ तो कुछ बुक्स में उन्होंने बोला है कि इसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोला है। ओके, और कुछ बुक्स में उन्होंने बोला है इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो व्हाई इज कॉल्ड एज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज द हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिड को समझ लेते हैं। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है? हाइब्रिड इज अ मिक्सचर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर मैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो इसके अंदर तीन टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। करेक्ट, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो सबसे पहले हाइब्रिड मींस व्हिच इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक मैंने लास्ट दो सेशन में बताया था स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है, और उसके बाद में और एक सेशन बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने बताया कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के कुछ फीचर्स रहेंगे और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कुछ फीचर्स रहेंगे जो कि हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रहेंगे। सो दिस आर द जो कि EIGRP है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अभी कुछ बुक्स में उन्होंने बोला है कि एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल आता था इसके पहले में, EIGRP के पहले में, IGRP प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का एनहांस वर्जन है EIGRP। ओके, सो इसीलिए उसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। होप ये बात क्लियर हो गई आप में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर नोटिस करेंगे, एग्जैक्टली जानेंगे कि EIGRP क्या है। सबसे पहले EIGRP इज हाइब्रिड प्रोटोकॉल, सम पीपल कॉल्ड एज अ एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। द सेकंड पॉइंट इज इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी अगर आपके पास कुछ बुक्स होंगे जो कि प्रीवियस वाले बुक्स होंगे, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी ओल्ड वाले बुक्स प्रीफर करते हैं, अगर कोई टोड लैमेल का बुक, टोड लैमेल का बुक वगैरह पढ़ता है, ओल्डर वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी अगर मैं ओल्डर वर्जन की बात करता हूँ तो आपको पता चलेगा EIGRP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है, ये ओनली सिस्को के राउटर के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर मेरे पास कोई अनदर वेंडर का राउटर है, जस्ट कंसीडर मेरे पास HP का राउटर है या तो फिर Huawei का राउटर है या तो फिर नोवेल का राउटर है या कोई भी कंपनी का राउटर है, ठीक है, एक्सेप्ट सिस्को, मैं सिस्को की बात नहीं कर रहा हूँ, अनदर वेंडर का राउटर, ठीक है, तो मैं HP के ऊपर सिस्को का प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर सकता था, Huawei के ऊपर भी वर्क नहीं कर सकता था, नॉर्टेल के ऊपर भी वर्क नहीं कर सकता था, मतलब कोई भी वेंडर का राउटर हो किसी के ऊपर में EIGRP प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता था। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है, जस्ट कंसीडर करो कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने दे दिया एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बोल दिया है कि चलो आपके टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन बताता हूँ, तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आप एक काम करो EIGRP प्रोटोकॉल यूज करो, इस तरीके का उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया, तो ये बोलते कि चलो ठीक है EIGRP सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। बट अभी EIGRP में सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आया, वो बोलते कि हमें खाली सिस्को के राउटर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज सिस्को के राउटर ही कैन सपोर्ट EIGRP फीचर्स बिकॉज दिस इज द सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक है, और रही बात अनदर वेंडर के मुकाबले में, सिस्को के डिवाइसेस लिटिल बिट एक्सपेंसिव होते हैं, काफी अच्छे फीचर्स आते हैं और सिस्को काफी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा ना कि बाकी के डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनी के लिए तो पॉसिबल था सिस्को के डिवाइस बाय करना, लेकिन कुछ कंपनी बोलती थी कि हम लोग सिस्को के डिवाइसेस बाय नहीं कर सकते, कोई अनदर वेंडर है हम लोग उसके थ्रू जाएंगे। तो उस टाइम उनके पास चैलेंज ये आता था कि सिस्को के राउटर के ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल चलता है, तो अगर हम लोगों को HP के डिवाइसेस यूज करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल चलाएंगे और किस तरीके का कॉन्फ्यूजन रहेगा, तो ये काफी बड़ी समस्या थी। तो अगर आई थिंक सो 2016 के आसपास, जहां तक मुझे पता है, अगर थोड़ा सा आप गूगल भी कर लेना इसके बारे में, ओके, जहां तक मुझे पता है 2016 के बाद EIGRP प्रोटोकॉल ये हो गया ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफिशियली।
ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब क्या, अगर आपके पास एचपी का डिवाइस है या तो फिर हुआवे का डिवाइस है या तो फिर नॉर्टे का डिवाइस है या तो फिर सिस्को का डिवाइस है, कोई भी कंपनी का डिवाइस हो, EIGRP प्रोटोकॉल वर्क करेगा। ओके तो हमेशा ये बात याद रखना, इनिशियली इट वॉज अ सिस्को प्रोप्रिएटरी बट नाउअडेज इट्स अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओके सो पॉइंट नंबर थ्री, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। द सेकंड पॉइंट इज इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसके बारे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि वो अभी वो सिस्को प्रोप्रिएटरी नहीं रहा है। उसके थर्ड पॉइंट इज द क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल इन द सेंस लाइक ही कैन सपोर्ट, सबनेटिंग की बात करता हो तो FLSM को सपोर्ट करता है, VLSM इन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ठीक है, दिस इज द क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल अभी तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, बिकॉज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में एक प्रोटोकॉल आता था जिसका नाम था IGRP। ठीक है, तो IGRP के पूरे फीचर्स मतलब जितने भी IGRP के फीचर्स है वो एनहांस इंटीग्रेटेड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में है, एज वेल एज उसके अंदर कुछ प्लस फीचर्स मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स बोल सकते हैं हम लोग उसको, एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। तो इसीलिए EIGRP को हम लोग एनहांस इंटीग्रेटेड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज अगर मैं EIGRP की होप काउंट की बात करता हूँ तो मैक्सिमम होप काउंट ऑफ EIGRP इज 255 तक और 100 इज अ बाय डिफॉल्ट। ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ऐसा होता है कि जो कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअल आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको प्रोडक्शन में काम में आता है या तो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज में काम आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द EIGRP मैक्सिमम होप काउंट, तो आपको बताना है कि 255 तक सपोर्ट करता है बट 100 इज अ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमें टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें टेक्निकली स्ट्रांग तभी होंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं तो हम लोग कुछ परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, भले हम लोग उनको बोल दें कि सर मुझे तो कॉन्फ्यूशन बहुत अच्छे से आता है, मैंने ये कंपनी में इतना काम किया, मैंने 2 साल काम किया, मैंने इस राउटर पे काम किया, लेकिन जब तक आप उनको कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वो आपको उस पोजीशन के लिए हायर नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। द सिक्स्थ पॉइंट इज अगर मैं AD की बात करता हूँ, तो AD मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ EIGRP इज 90/170। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि यार ये दो दो कैसे AD वैल्यू, जितने भी प्रोटोकॉल देखे हम लोगों ने अभी तक, लाइक मैं स्टैटिक की बात करता हूँ तो स्टैटिक का AD वैल्यू तो 1 है। ओके, अगर मैं रिप की बात करता हूँ, रिप का भी AD वैल्यू 120 है। जब इन दोनों का AD वैल्यू एक ही की है, सिंगल सिंगल ही है, तो यहाँ पे दो कैसे के आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 90 की बात करता हूँ, दैट इज द इंटीरियर EIGRP, इंटीरियर EIGRP के लिए, और एक्सटीरियर EIGRP के लिए 170। अभी इंटीरियर EIGRP और एक्सटीरियर EIGRP क्या होता है, जस्ट कंसिडर करो आपके पास सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। अभी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है जब मैं EIGRP का प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। जस्ट कंसिडर करो आपके पास एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है जिसके अंदर दो राउटर है। ठीक है, आपने दोनों राउटर को कॉन्फिगर किया, सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मतलब जस्ट कंसिडर AS 100 है। यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इज लाइक अ ग्रुप, में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की बात करते हैं, तो अगर मेरे पास ये दोनों राउटर सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में है तो इसका जो मुझे AD वैल्यू शो IP राउट में जो AD वैल्यू मुझे दिखेगा वो दिखेगा 90, बिकॉज दिस इज द इंटीरियर राउट। अगर मैं एक्सटीरियर राउट की बात करता हूँ, एक्सटीरियर राउट मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट है, जस्ट कंसिडर करो ऑटोनोमस सिस्टम 200 अगर यहाँ से कनेक्ट है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे भी एक राउटर है तो ये राउट जब पर्टिकुलर मतलब सेकंड वाले AS में जाएगा तो उसका वैल्यू 170 हो जाएगा। सो दैट इज DEX। EIGRP का अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल में कोड देखता हूँ तो ये D नाम से शो होता है। ठीक है, उसके बाद EX फॉर द एक्सटर्नल, जो एक्सटीरियर बोल सकते हैं या तो एक्सटर्नल बोल सकते हैं, बाहर से जो राउट्स आते हैं वो। ये ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, तो अगर मेरे पास एक साइड में EIGRP का नेटवर्क है, मैं थोड़ा सा तो ये पॉइंट्स मिटाना नहीं चाहता इसलिए साइड में टोपोलॉजी बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक राउट है और यहाँ पे और एक राउट है, और ये राउटर मेरे अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच कनेक्ट हुआ है, OSPF जस्ट कंसीडर करते। ठीक है, तो जब भी मैं इस राउटर के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंसेप्ट
जो मोस्टली एनए लेवल पे भी आता है और एनपी लेवल में भी आता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब भी मेरे एक राउटर के ऊपर दो राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं तब मुझे रेडिस्ट्रीब्यूशन एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है। तो रेडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ टूडेज प्रोग्राम, तो हम लोग इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ओएसपी प्रोटोकॉल के बारे में बात करता, तो ओएसपी प्रोटोकॉल के जो राउट्स ईआईजीआरपी में जब हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाएंगे तो हमें वो राउट्स 170 एडी वैल्यू करके शो करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एडी वैल्यू 170 की बात क्यों कर रहा हूँ। 170 इज द एक्सटर्नल, मतलब अनादर एएस या अनादर प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट्स आते हैं तो हम लोग उसको चेक करने के लिए शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो हम लोगों को वहां पे पता चल जाएगा उसका एडी वैल्यू 170 शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके फाइन, ओके फाइन, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, ओके। EIGRP प्रोटोकॉल की और मैं बात करता हूँ, जहां तक मुझे पता है EIGRP इज अ वेरी फ्लेक्सिबल। अगर मेरे पास फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन है तो मैं EIGRP का यूज आराम से कर सकता हूँ, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन के लिए काफी सुटेबल है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, सेवन नंबर पॉइंट, EIGRP मल्टीकास्ट को एंड यूनिकास्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। EIGRP क्या करता है, हेलो पैकेज भेजता है, ठीक है। तो हेलो पैकेज भेजना मतलब क्या होता है कि EIGRP का बातचीत करने का तरीका होता है, ठीक है। सो EIGRP इज अ डिस्टेंस एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये हेलो पैकेज भेजता है। तो हेलो पैकेज जो भेजता है वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू भेजता है। अगर मैं EIGRP के मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस की बात करता हूँ तो वो है 224.0.0.10, ओके। तो EIGRP जब भी फर्स्ट पैकेट भेजता है कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, EIGRP के कुछ पैकेट टाइप्स हैं जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो जितने भी हेलो पैकेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो आईपी एड्रेस है 224.0.0.10। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं, ठीक है। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है, जैसे कि रिप की बात करता हूं तो 224.0.0.9 ये उसका राउटिंग, ये उसका मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। EIGRP ही कैन सपोर्ट द मल्टीकास्ट एंड द यूनिकास्ट इंस्टेड ऑफ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ओके। एट नंबर पॉइंट, इट्स अ 100% लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। लूप फ्री मतलब ये लूप को कम्प्लीटली अवॉइड करता है, लूप फ्री होने के चांसेस ही नहीं EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है कि EIGRP कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर लूप फ्री होता है, लूप होने के चांसेस ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि EIGRP से प्रोटोकॉल ये क्योंकि क्लासलेस प्रोटोकॉल है विथ 100% लूप फ्री है। अगर मैं EIGRP के कॉन्फिगरेशन की बात करता हूँ, EIGRP का कॉन्फिगरेशन काफी इजी कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। अगर मैं LAN सेगमेंट में यूज करूँ या तो फिर WAN सेगमेंट में यूज करूँ, कहीं पे भी यूज करो, ठीक है। EIGRP इज लाइक वेरी इजी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और उसके बाद EIGRP में जो अपडेट सेंड होते हैं, यहाँ तक तो मैंने नोट कर दिया, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके लिख सकते हो क्योंकि मैं क्लीन करता हूँ, ओके। तो उसके बाद का पॉइंट, लाइक हम लोगों ने 8 पॉइंट तक पहुंच गए थे, 9 नंबर के पॉइंट, अगर मैं EIGRP के मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस की बात करूँ, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस मोस्टली अपडेट सेंड करने का काम करता है, तो वो है 224.0.0.10। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, EIGRP में जब भी मेरे पास दो राउटर होते हैं, फर्स्ट राउटर और ये सेकंड राउटर, ठीक है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ हेलो सेंड करते हैं, हेलो पैकेज सेंड करते हैं, तो एवरी 5 सेकंड्स में पैकेज सेंड करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंटरनेट में पूछते हैं, तो अगर आपके पास EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है तो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में फर्स्ट राउटर जस्ट कंसिडर R1, R2 के पास अगर अपडेट सेंड करता है, हेलो पैकेज सेंड करता है, तो वो कितने सेकंड में करता है, तो इसका आंसर है 5 सेकंड, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखो। उसके बाद EIGRP का यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 सेकंड्स, तो इसका मतलब कन्वर्जन रेट इज वेरी वेरी फास्ट,
Okay, EIGRP, he can support IP, IPX and the Apple talk. अभी IPS एंड एप्पल टॉक के बारे में मेरे को भी इतना डिटेल में पता नहीं है, बट IPS एंड एप्पल टॉक दे आर द प्रोटोकॉल्स. ओके, आईपी प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं उसको. आईपी के बारे में तो हम लोग देखने ही वाले, ठीक है. IPS एंड एप्पल टॉक के बारे में आप थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है. मोस्टली मैं भी इसके बारे में इतना कुछ डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. ओके, एज वेल एज अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, सो EIGRP इज अ प्रोटोकॉल, इसको DUAL, ओके, DUAL अल्गोरिदम भी बोलते हैं. अभी DUAL अल्गोरिदम क्या होता है? डिफ्यूजन अपडेट अल्गोरिदम. ओके, जो कि आने वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, EIGRP ही कैन सपोर्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग एज वेल एज EIGRP ही कैन सपोर्ट अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग. मतलब EIGRP इक्वल को भी सपोर्ट करता है और अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है. ये तो काफी अच्छा फीचर है जो कि हम लोग EIGRP में देखने वाले, ठीक है. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द EIGRP. हमें ये सब पता होना चाहिए अगर हम लोगों को इंटरव्यू में परफॉर्म करना है. सो दिस आर द 14-15 लाइक बेसिक पॉइंट्स. अगर आपने किसी को पूछा कि EIGRP क्या होता है, तो आपको बताना है उनको कि सबसे पहले तो EIGRP इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. कुछ लोग उसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, तो उसके बारे में रीजन बताना है क्यों बोलते हैं, ठीक है. सेकंड थिंग इज अ स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल. इनिशियली ये सिस्को प्रोप्राइटरी था, उसके बाद बताओ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है. ओके, IGRP के सभी फीचर्स है. मल्टी कैश IP एड्रेस बताओ, AD वैल्यू बताओ, उसका बताओ कि फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन में हम लोग यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम होप काउंट बताओ, उसके बाद लूप फ्री है वो बताओ, कॉन्फिगरेशन बताओ, इजी तरीके से हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं. अगर उसके बाद में बताना है तो कन्वर्जन रेट के बारे में आप बता सकते हो, IP, IPS, एप्पल टॉक के बारे में बता सकते हो, ड्यूअल एल्गोरिथम के बारे में बताना, इक्वल कॉस्ट को सपोर्ट करता है और अनइक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है. तो दिस आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स ऑफ द EIGRP जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन हम लोगों को समझ में आया. मैं आज का सेशन यहीं पे पॉज कर देता हूँ, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग एक बेसिक प्रैक्टिकल देखेंगे. जैसे कि मैंने बताया EIGRP इज लाइक वेरी इजी टू कॉन्फिगर प्रोटोकॉल, तो हम लोग EIGRP किस तरीके से कॉन्फिगर करते हैं, तो मैं एक बेसिक टोपोलॉजी इसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है. उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक EIGRP के अंदर हम लोग टेबल्स है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल, तो ये सब किस तरीके से चेक करते हैं. उसके बाद EIGRP मैट्रिक के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है. उसके बाद कॉन्फिगरेशन पार्ट तो हम लोगों को डेफिनेटली करना है, ठीक है. तो जो भी कुछ पॉइंट्स है मैं नोट डाउन कर लूंगा, वो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है. अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि वीकली 3 या 4 वीडियो डेली अपडेट करना है, ठीक है, चैनल के ऊपर. अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वहाँ पे नीचे में अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन किया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं मोस्टली व्हाट्सएप पे नाइट के टाइम पे एक्टिव रहता हूँ. और उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट नहीं करना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. मैं आज का सेशन यहीं पे फिनिश करता हूँ. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.